जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जहां एक तरफ ये तमाम राजनीति से जुड़ी बातें हैं, वहीं आपसे जुड़ी हुई, यानी ठंड अभी और बढ़ने वाली है, लगातार बर्फबारी हो रही है, बर्फ पड़ रही है पहाड़ों में, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि उत्तर भारत में अब ठंड और बढ़ेगी, यानी और कड़ाके की ठंड के लिए अब आप आगे तैयार रहिए। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि बर्फबारी हो रही है तो जोशीमठ में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो भी अब वहां पर भी चिंता और डर का सबक होना शुरू हो गया। सेना और बीआरओ अधिकारियों के साथ इस वक्त अमित शाह की मीटिंग चल रही है, उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ धामी की बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ को लेकर बारिश की वजह से तेजी से दरारें बढ़ी हैं, बर्फबारी हो रही है जोशीमठ के आसपास, भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन अभी और भारी हो सकते हैं, यानी भारी बारिश अभी और हो सकती है। जोशीमठ में खतरा बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है लोगों का डर। मौसम का बदलता मिजाज लोगों में खौफ और बढ़ा रहा है, लिहाजा लोग अपने सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट होने लगे हैं। जोशीमठ में घरों को खाली करने की प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज हो गई है। इसकी वजह यह है कि कल से ही यहाँ पे मौसम खराब है, बारिश हो रही है, कल पूरी रात बारिश होती रही और आप देख सकते हैं किस तरह से इस वक्त घरों को खाली किया जा रहा है। ये मनोहर बाग का इलाका है, लोग जितना संभव अपने सामान को लेकर ऊपर ओली रोड पे ले जा रहे हैं, क्योंकि बीच में सड़क नहीं है ऐसी जिसमें गाड़ियों को ले जाया जा सकता है। जोशीमठ का क्या होगा? आशियाने की जो जंग जोशीमठ में लड़ी जा रही है वो आखिर कहां जाकर खत्म होगी? जोशीमठ में अगले दो दिन बारिश का अलर्ट है और दरार बढ़ने का खतरा भी। खतरा ये भी कि दरार और चौड़ी हुई तो इमारतें जल्द क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। जोखिम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और इसका असर जोशीमठ तक पहुंच सकता है। सुबह के वक्त जो थी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, ऊंचे पहाड़ी चोटियों पर भी बर्फबारी हुई थी, लेकिन इस समय धूप निकल रही है और बादल भी खुल रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इन पहाड़ियों के पीछे अभी भी लगातार बादलों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके साथ साथ जो फोरकास्ट है वो ये कहता है कि 14 तारीख तक हल्की फुल्की बारिश जोशीमठ में हो सकती है। दूसरी ओर उत्तराखंड को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है, घर ना छोड़ने की जिद पर अड़े लोगों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। तो वहीं बैठक पर बैठकों का दौर चल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में ही डटे हुए हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम के रहने से लोगों को उम्मीदें बढ़ गई हैं। कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो हम उन लोगों पे बहुत हमारी आशा है कि मुख्यमंत्री जी युवा तुर्क हैं, जवान हैं और उनकी जो काम करने की शैली है बहुत प्रशंसनीय है, तो शायद मुझे लगता है कि वो कुछ अच्छा करेंगे, ये इसी उम्मीद पे हम बैठे हैं। सर, मीटिंग के लिए आप लोगों को बुलाया था? नहीं, हमें तो नहीं बुलाया, लेकिन उसकी नोटिस हमको दिया था कि कौन कौन लोग उस मीटिंग में हैं, और बिल्कुल जब हमको बुलाया नहीं तो उसमें ये लगेगा कि अनुशासन को खराब करने वाली बात होगी। धसान और दरारों के शिकार जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हालात का जायजा लिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत, आर के सिंह शामिल थे। इसके अलावा गृह सचिव और सेना से जुड़े अधिकारियों से भी बैठक में बातचीत की गई। जोशीमठ को लेकर बीआरओ के अधिकारियों से भी गृह मंत्री ने तमाम पहलुओं पर बातचीत की। जोशीमठ से अमित भारद्वाज, अंकित और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो